देखिए दोस्तों, ये गुल्लक से रुपए चोरी किए जा रहे हैं। ये देखिए, देखा चोरी आपने, ये गुल्लक में एक एक पाई पाई इकट्ठा करती थी, एक एक चिल्लर इकट्ठा करती थी, और इतने सारे चिल्लर इन्होंने इकट्ठे कर लिए, दस दस के बीस बीस के सिक्के हैं। और देखिए निकालने की मैं कितना एक्सपर्ट है, बचपन में ही काम करती थी क्या? देखा, नहीं बचपन से ही टैलेंटेड है। ऐसी चांस की हेल्प से निकाला करती थी बिना गुल्लक खोले। देखा आपने कैसे गुल्लक खाली किया जाए जल्दी जल्दी। ये देखिए, एक साथ दो दो तीन तीन सिक्के निकलना है। टैलेंटेड, चलो फिर कोई बैंक लूटते हैं। बैंक में गुल्लक नहीं होती है ना। ठीक देखा आपने, देखिए कितने सारे सिक्के, दस दस के बीस बीस के उन्होंने इकट्ठे कर लिए। ये देखिए आप, देखा सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, इनके पास गुल्लक से रुपए निकालने का टैलेंट। वाह, देखिए ये देखिए कैसे हाथ से पकड़ के खींच खींच के निकाल रही गुल्लक हैं, नोट भी डाल रखी है उसमें लग रहा है। अंदर देखिए गुल्लक नहीं, हथौड़ा, हथौड़ा। ये देखिए कैसे सिक्के निकल रही है। ये देखिए, देखा ये देखिए, नोट भी निकाल डाला इन्होंने। तो पता तुम्हें काम क्या करो, मंदिर में जो दान पेटी होती है ना, उससे चलो रुपए निकालते हैं। मंदिर के दान पेटी से भी रुपए निकाल सकती हैं ये। देखा ये देख, कितना खन्न खन्न निकल रहा। इसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। कोई काम नहीं मिला करने को, तो आज इन्होंने गुल्लक से रुपए निकाल डाले हैं। नहीं, आज मैं देख रही थी कि मैं इतने दिनों से रुपए डाल रही हूँ, तो देखती हूँ आज गुल्लक में कितने रुपए हुए हैं, और मैं वहां उसी गुल्लक में डाल दूंगी। गुल्लक भरनी है धीरे धीरे, तो इसे मैं इतने जाएंगे। पर आज मैं काफी दिन से 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए सारे सिक्के डाल रही थी, तो आज मुझे देखना था कि कितने रुपए मैंने खर्च लिए आज। देखा आपने, ये अब गुल्लक से रुपए निकाल चुकी हैं और रुपए की काउंटिंग शुरू कर दी है। ये देखिए कितने सारे सिक्के हैं, सबकी काउंटिंग कर रही है, 5 के, 10 के, 20 के, और ये नोट भी है 10 का है। तो देखिए आप, देखा आपने, अब देखते हैं कितने सिक्के निकलते हैं। मेरे ख्याल से 350-400 तो होंगे ही होंगे। 400 तो यही है, और 400 यही है, सो क्या। 400 यही है, तो बहुत सारे सिक्के इन्होंने इकट्ठे कर लिए लग रहा। तब 2000 तक जाएंगे लग रहा। तो अभी ये भी है। देखिए अच्छा, बीस 420, देखिए 420, सिक्के, देखिए 420, 20 20 के इन्होंने सिक्के निकाले हैं। 440 सिक्के हैं, 20 20 के नहीं, 20 20 के रुपए हुए 440। हाँ, बीच बीच के तो अभी 400 चांस हो गए हैं। अब मैं दब दब के ली हूँ, पूरा गुल्लक इन्होंने खाली कर दिया। चलो अब 10 10 के सिक्के काउंटिंग हो रही है।
देखिए लाइव दिखाऊंगा कितने सिक्के गुल्लक में इकट्ठे हुए थे, इन्होंने किए थे इतने सारे सिक्के। हाँ जी, 10-10 का पूरा पिलर इकट्ठा करके रख रही हैं ये। ये 100 100 का मैं लगा रही हूँ, ये चीज का दे देगा। देखिए पूरा पिलर इकट्ठा कर दिया इन्होंने। दस का लग रहा है सिक्के खत्म हो गया, 5-5 के बाकी हैं। हाँ अब बस 5-5 के ही बाकी हैं। चालू किए तीन देखिए चार पांच छह सात कितने हुए ये, 50 है? हाँ ये 55 है, बाकी सारा 100 100 का है। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12 1300 1350 रुपये निकले हैं फ्रेंड्स मेरी जिंदगी में, देखिए जो कि मैंने 10 10 रुपये 5 5 रुपये करके अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुए, 3 4 महीने पहले ही मैंने ये डालना स्टार्ट किए थे, 3 महीने आई थी, और 3 महीने के आसपास मैंने 1350 रुपये कलेक्ट कर लिए हैं, सिर्फ 10 और 5 रुपए। तो आप लोग जानते हैं ना कि घूम घूम से घड़ा बढ़ता है, इसी तरह बस घूम घूम से मेरी ये गुल्लक भर रही थी, अभी भरी नहीं थी, अभी आधी भी नहीं थी, और अभी मैं ये सिक्के वापस इसी में डाल दूंगी, क्योंकि जब ये फुल हो जाएगी तब मैं इसको फोड़ के निकाल दूंगी और देखूंगी तब मैंने कितने रुपए कलेक्ट कर, तभी मैं फिर से वापस इसी में ये सारे सिक्के डाल दूंगी। देखिए वापस गुल्लक को भरा जा रहा। सारे सिक्के देखिए गुल्लक के अंदर पड़ गए हैं वापस से, और वापस से उठा के ये उसी जगह पर रख देंगे जिस जगह से उठाई थी। सिर्फ 10 पे ही मैं उसका सिक्का डाल दूंगी, ये कितने का डाल दूंगा फ्रेंड्स। हाँ देखा आपने, देखा मैंने पूरे सिक्के खाली करके वापस उसी में डाल दिया, और मेरी गुल्लक भी अभी तक सेफ है, क्योंकि मैं इसे भरना चाहती हूँ, और आप लोग देखो काम करके कैसे इसमें वापस डाल दिए हैं। और हाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज अपने घर में चोरी ना कीजिएगा इस तरीके से, तो मैं अभी इस गुल्लक को वापस वहीं रख दूंगी, और जब उसको फुल करूंगी तब एक नया ब्लॉग लेके आऊंगी आपका इस गुल्लक के साथ में। चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों में, तब तक के लिए बाय बाय।